नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में लगातार हो रही है सुअर की मौत, निगम प्रशासन उदासीन, महामारी की आशंका से लोगों में दहशत। कोरोना से बचाव की तैयारी का जायजा लेने भागलपुर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य निदेशक, अस्पताल में बैठक कर व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस को लेकर बूढ़ानाथ मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की गई कामना। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में टपक रहा है पानी, जर्जर भवन में रहेंगे कोरोना के मरीज। और बांका के लाल का इसरो में हुआ चयन, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में पिछले एक सप्ताह से लगातार सुअरों की मौत का सिलसिला जारी है। शनिवार को वार्ड नंबर 26 के सुर्खीकल इलाके में 10 से अधिक सुअरों की मौत के बाद सन्नाटा पसर गया है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पहले से हांफ रहे स्वास्थ्य महकमे की परेशानी अब सुअरों ने बढ़ा दी है। वहीं लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद भी निगम प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। वार्ड की जनता को अब संक्रमण एवं महामारी फैलने का खतरा सताने लगा है। पूरे मामले को लेकर पार्षद ने कहा कि नगर आयुक्त को आवेदन देने के बाद एक जेसीबी भेजकर मृत पशुओं को गड्ढे में फिकवा दिया गया। पार्षद ने निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा महादलित इलाका दुर्गंध से परेशान है, लेकिन निगम द्वारा चूना और ब्लीचिंग पाउडर तक का छिड़काव नहीं कराया गया। इधर महामारी फैलने की आशंका से वार्ड की जनता काफ़ी भयभीत है। हालांकि सुअरों की लगातार हो रही मौत को देखते हुए डीएम प्रणव कुमार ने पशुपालन विभाग को जांच का आदेश दे दिया है। वहीं अज्ञात बीमारी से लगातार हो रही मौत के बाद भी इलाके में गंदगी पसरी है और मृत सुअरों को पक्षी नोच रहे हैं। निगम से कोई व्यवस्था नहीं हुआ, अभी तक आवेदन भी दे चुके हैं नगर निगम में, वहाँ पर न जैसी भी दिया है, न चुना ब्लीचिंग, न सफाई कर्मचारी का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिला है। जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। महामारी का मतलब ये हो गया है जी, बहुत नाक में बदबू हुई, गंदा एकदम हट रहा था, गंदा तो बच्चा को सबको एकदम यहाँ रह नहीं सकेगी, इतना बदबू हो रही। कुछ दूरी पर ले जा करके गाड़ना चाहिए, दफनाना चाहिए, लेकिन ऐसी भी व्यवस्था अब तक प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भागलपुर जो स्मार्ट सिटी कहलाता है, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन यहाँ की स्मार्ट सिटी की क्या तस्वीर है, कैसी स्मार्ट तस्वीर है। बारिश भी लगातार ऊपर से बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण भी ये जो संक्रमण है इसका और बढ़ गया है। हम अपने कैमरामैन से फिर चाहेंगे कि वो आपको स्वर की तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से जो है तो स्वर यहाँ पर जो है तो मृत अवस्था में है, और जो इलाका है पूरा महादलित इलाका, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महादलित इलाका में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो चतुर्वर्गीय क्वार्टर है यहाँ पर सुर्खीकल इलाके में, उसमें लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं और लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। और इस जो महामारी का यहाँ पर ये जो सुअर जो मरे हैं, ये महामारी का रूप एक तरीके से ले चुका है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पशुपालन विभाग इसके ऊपर में क्या कार्रवाई करती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिर्फ टीवी भागलपुर। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद शनिवार को भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। निदेशक प्रमुख ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पताल में किए गए इंतजाम एवं तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद निदेशक ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हेमंत कुमार सिन्हा एवं नोडल ऑफिसर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के साथ बैठक की। बैठक में अस्पताल प्रबंधन को कोरोना से बचाव एवं मरीजों के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान निदेशक प्रमुख डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क लगाकर चलने की बात कही। निदेशक प्रमुख ने कहा कि भागलपुर अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में स्कैनर की कमी है और अगले 2-3 दिनों में स्कैनर की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के आसपास रहने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य है। इस महामारी से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने और नियमित रूप से साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन कर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इस मौके पर अस्पताल के कई चिकित्सक मौजूद थे। सुविधा यहाँ पर सभी कुछ अवेलेबल है, मात्र एक स्कैनर की जो कमी है वो 2-4 दिन के अंदर में पूरी हो जाएगी। बाकी यहाँ सब तैनात है, सब मास्क का है, सैनिटाइजर या जो और उसके स्टाफ है, बिल ट्रेंड है और सब चीज़ अवेलेबल है। मास्क क्या सबको पहनने की ज़रूरत है सर? नहीं नहीं सबको नहीं, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि जो उन मरीजों के नज़दीक है उनको पहनना जरूरी है। कोरोना वायरस के कारण अब तक दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि अब कोरोना के नाम से ही हाहाकार मचा हुआ है। जब किसी समस्या या महामारी का समाधान करना इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता है तो अंत में मनुष्यों को ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। इसी को लेकर भागलपुर के बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर में शनिवार को मंदिर के पुजारियों एवं भक्तों के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। कोरोना वायरस से रक्षा एवं मुक्ति के लिए किए गए रुद्राभिषेक में भक्तों ने भागलपुर समेत संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना बाबा बूढ़ानाथ से की। देश में कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। बिहार सरकार ने भी 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल को बंद रखने का फरमान जारी कर दिया है। वहीं भागलपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में 8 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में बेड और सफाई की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन हकीकत में वार्ड की सच्चाई कुछ और ही है। आइसोलेशन वार्ड की छत से एक तरफ पानी टपक रही है तो दूसरी तरफ छत जर्जर हो चुका है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस के मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें एक तरफ वायरस का खतरा सताएगा और दूसरी ओर जर्जर भवन का। वहीं भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास मास्क है, थर्मामीटर हमने रख लिया है, वो M95 जो है मास्क जो आता है वो भी हमारे पास 125 के आसपास है। जनरल मास्क भी है, एक किट आता है जो वो भी किट हमारे पास 30 किट हमारे पास आ गया है। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन कोई नहीं है इस अस्पताल में, तो अगर कोरोना का ज़्यादा मरीज आया हमारे यहाँ एडमिट होना पड़ा तो ये प्रॉब्लम होगा कि हमारे यहाँ कोई फिजिशियन नहीं है तो उसका देखभाल कौन करे। लेकिन हाँ, प्रोटोकॉल के अनुसार जो डायरेक्शन है कि मेडिकल कॉलेज में उसका जांच होगा और इलाज भी होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ICU वगैरह सब है, तो मेडिकल कॉलेज यहाँ उपलब्ध है, वहाँ भी वार्ड बना हुआ है 10 बेड का, वहाँ ICU भी है, वेंटिलेटर है वहाँ पर, वहाँ भी सारी व्यवस्था है। तो अभी तो जो भी मरीज संदेहास्पद आ रहा है उसको ब्लड जांच वहीं पर लिया जा रहा है और उसको ब्लड जांच करा के हम मंगा रहे हैं, कोई भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। प्रचार प्रसार हम लोगों का अभियान चालू है, ग्राम सभा के माध्यम से प्रचार किया गया था, अभी फिलहाल तो ग्राम सभा हम बंद कर दिए हैं। आशा, आंगनबाड़ी, ममता, ANM के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध मरीज आने पर उसको हम लोगों को पता चल जा रहा है और उसको। अंग प्रदेश के बांका कटोरिया निवासी पैतू प्रसाद यादव के पुत्र एवं शंभुगंज स्थित इंटर स्तरीय SKM पब्लिक स्कूल 10वीं कक्षा के छात्र दीपक कुमार का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए जा रहे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 113 छात्र छात्राओं का चयन होना था, जिसमें बिहार से 10 बच्चे चयनित हुए, जबकि भागलपुर के बांका से केवल दीपक का ही चयन किया गया है। दीपक की चयन से उत्साहित SKM पब्लिक स्कूल की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत दीपक कुमार को इसरो के सेंटर में आवासीय कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। दीपक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया और कहा कि स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों द्वारा किए गए मार्गदर्शन से अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही दीपक ने कहा कि बचपन से इसरो का वैज्ञानिक बनने का सपना है और बेहतर मार्गदर्शन एवं माहौल के कारण आज इसरो के कार्यक्रम में चयनित होकर काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। वहीं स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर अनूप बेरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि बच्चे की रुचि के अनुकूल माहौल एवं अवसर प्रदान करना है। देखिए, हमारा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस स्कूल से एक नहीं बिहार के 10 बच्चे इसी स्कूल के सिलेक्ट हों, हमारी तो कोशिश ये है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बच्चे का जो उसके साइंटिफिक एप्टीट्यूड है वो बाकी लोगों से ज़्यादा था, इसलिए इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। मैं इस बच्चे को
अपनी ओर से, विद्यालय के मैनेजमेंट की ओर से बधाई देता हूं। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई-लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV। चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका रजौन थाना क्षेत्र के पुंसिया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में दहेज लोभियों ने एक बाइक के लिए 3 माह की मासूम दुधमुही बच्ची की हत्या कर उसे नदी में फेंक दिया। बच्ची की हत्या कर नदी में फेंकने का आरोप मासूम की दादी और उसके तीनों चाचा पर लगाया गया है। मृतक बच्चे की मां विनीता देवी के बयान पर ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना की सूचना जब रजौन पुलिस को मिली तो पुलिस ने दबिश दी और बच्ची की चाचा को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के चाचा की निशानदेही पर पुलिस ने कतरिया नदी से बच्ची का शव बरामद किया है। रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि मृतक की मां के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अब तक मृत बच्ची के चाचा राजकुमार एवं सन्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों ने बच्ची की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिलहाल हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने सभी को परेशान कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से सनोखर क्षेत्र के कई गांवों के किसान हतोत्साहित हो गए हैं। सनोखर क्षेत्र के लोगों की जीविका पूरी तरह खेती पर ही निर्भर है, किंतु बेमौसम हुई बरसात के कारण चना, मसूर एवं दलहन के फसल के साथ आम एवं सहजन के मंजनों का भी नुकसान हुआ है। चैत के महीने बेमौसम हुई इस बारिश से किसान काफी निराश हैं। बारिश से परेशान किसान इंद्रदेव पासवान ने कहा कि मौसम ने एक बार फिर धोखा दे दिया। बारिश के कारण काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तिलकमान जी भागलपुर विश्वविद्यालय के PhD की सभी मौखिक परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। TMBU के PRO डॉक्टर HD झा ने बताया कि कुलपति के आदेश पर कोरोना संक्रमण एवं जानलेवा बीमारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्रोफेसर झा ने कहा कि विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। वहीं सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी कार्य अवधि में उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत कॉलेजों एवं PG विभागों पर यह आदेश लागू होगा। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में लगातार हो रही है सुअर की मौत, निगम प्रशासन उदासीन, महामारी की आशंका से लोगों में दहशत। कोरोना से बचाव की तैयारी का जायजा लेने भागलपुर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य निदेशक, अस्पताल में बैठक कर व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस को लेकर बूढ़ानाथ मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की गई कामना। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में टपक रहा है पानी, जर्जर भवन में रहेंगे कोरोना के मरीज। और बांका के लाल का इसरो में हुआ चयन, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।